क्लास एट पार्ट नाइन, जहाँ पहिया है। पहला, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनको के जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं? उत्तर है, लेखक जंजीरों द्वारा रूढ़िवादी प्रथाओं की ओर इशारा कर रहा है। हमारे समाज में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं, जैसे पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा एक सबसे बड़ी समस्या है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है। दूसरा, निष्ठा जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण वे कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते। तीसरा, महिलाएं के प्रति भेदभाव आदि समस्याएं हैं, जिनके प्रति लेखक जनता को जागरूक करना चाहते। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं की जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए। पहला, महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आज़ादी के प्राप्ति जागरूक हुई। कृषि उत्पादों के समीपवर्ती गांवों में बेचकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी व आत्मनिर्भर हो गई। तीसरा, समय और श्रम की बचत हुई। चौथा, स्वयं के लिए आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। प्रश्न नंबर तीन, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु और साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें हर या इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी, और साइकिल के मालिक गांव के लेडीज इस आंदोलन से उसकी आय में वृद्धि होना स्वाभाविक था, इसलिए उसने स्वास्थ्यवश आंदोलन का समर्थन किया। प्रश्न नंबर चार, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? उत्तर, आंदोलन को चलाने में निम्नलिखित बाधाएं आईं। पहला, फातिमा ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरा, उसे लोगों की पंक्तियों गठी टिप्पणियां सुननी पड़ी। तीसरा, फातिमा मुस्लिम परिवार से थी जो बहुत ही रूढ़िवादी थे, उन्होंने उसके उत्साह को तोड़ने का प्रयास किया। चौथा, पुरुषों ने भी इसका बहुत विरोध किया। पांचवा, लेडीज साइकिल वहां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं थी। शीर्षक की बात, प्रश्न पांच, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जा पहिया है क्यों रखा होगा? तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं को पुरुषों के विरुद्ध खड़ा होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बहुत बड़ा कदम था। पहिया गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है, और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो सके। लेखक ने इस पाठ का नाम जा पहिया है इसलिए ही रखा।